कैसी चल रही है आपकी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। ओके लुक, आज का जो वीडियो है इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एडवांस आउटलाइन। जितनी भी न्यू एडवांस आउटलाइन है उनके लिए प्ले लिस्ट में जब आप जाएंगे चैनल की, तो वहां पे एडवांस आउटलाइन पार्ट टू करके सेक्शन है जिसमें सारी न्यू आउटलाइन अपडेटेड हो रही है। तो बाय चांस अगर कोई वीडियो आपसे स्किप हो जाता है देखने से, तो आप उसको वहां पर भी जाके कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई क्यूरी या कंफ्यूजन होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगी। आज जैसा कि मैंने कहा आपका वीडियो है एडवांस आउटलाइन का, तो प्लीज वीडियो को टिल लास्ट तक देखिए, जिससे कि जब मैं आपको कोई भी एडवांस आउटलाइन बताती हूँ तो मैं उसका फुल स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब तक फुल स्ट्रक्चर माइंड में सेट नहीं होगा, एडवांस आउटलाइन भी आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो वो फिर रटने वाली प्रोसेस हो जाती है, समझने वाली प्रोसेस नहीं होती। तो समझने के लिए उसको ये पता करना कि किस लाइन से कहां कैसे ये स्ट्रोक बना हुआ है वो जरूरी हो जाता है। ओके तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी आज की पहली आउटलाइन है एडवांस आउटलाइन, वो है स्वतंत्रता के लिए। तो हमने उसको बनाया, देखिए स्वतंत्रता का ऑलरेडी आपका शब्द चिन्ह है, स्वा की का व्रत बना के ता का उसमें व्यंजन रेखा का ऐड किया गया है। अब यहां देखिए स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, तो स्वतंत्रता तो ये बन गया और इसी में ला की व्यंजन रेखा को ऐड कर देंगे तो ये स्वतंत्रता के लिए हो जाता है, के साइलेंट रहता है इसमें। ओके समान रूप से, ठीक है, तो समान रूप से जब हम लिखेंगे तो यहां पर आया समान रूप से, इस तरह से इस सिंबल डिफाइन होगा। इसके बाद आता है आपका ध्यान नहीं दिया था, तो ध्यान का सिंबल है हमारा ध न, ठीक है, नहीं दिया था। धा का सिंबल है ना की व्यंजन रेखा है, फिर नहीं के लिए ना आया है, दिया का सिंबल आया है, था आया, ठीक है, तो ध्यान नहीं दिया था हम इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद आपका वर्ड है शुरुआत कर सकें, ठीक है। देखिए शुरुआत दो तरह से, एक तो आपका सिंबल ही है सिर्फ शुरू, खूबसूरत में शुरू का जो आता है आपका, ठीक है, एक तो सिंबल ही है आपका, आप उससे भी बना सकते हैं, और दूसरा सा और थर्ड पेज पे सा की व्यंजन रेखा को डिफाइन करके शुरू, ठीक है, आत कर सके, एक तो ये बन गया। अब दूसरा फॉर्मेट आप इसको ये बना सकते हैं, शुरुआत, ठीक है, कर सके, वाक्य व्यंजन रेखा को शॉर्ट कर दिया, सा का व्रत बनाया हुआ है, वाक्य व्यंजन रेखा को ता के लिए शॉर्ट किया है और वहां पर आगे कर सके का सिंबल हमने ऐड कर दिया है, तो इस फॉर्मेट से भी हम शब्द को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाइयों और बहनों, ठीक है, तो भाइयों तथा के लिए एक लिंक करके ना की व्यंजन रेखा ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक ये होता है। अब यहीं पर अगर आपका सिंबल आता थोड़े से चेंज के साथ में, हमने लिखना होता भाइयों बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों। अब यहां पर ब की व्यंजन रेखा पहले आ रही, तो इसमें जो डैश लगाया है वो वहां पर नहीं आएगा, ठीक है, तो हमने बहनों तो पूरा लिखा, ठीक है, और भाइयों के लिए भा की व्यंजन रेखा काटते हैं। और ज्यादा क्लियर करने के लिए आप हा का व्रत दे सकते हो, ओके, तो बहनों और भाइयों, ये दोनों फॉर्मेट से आप इसको लिख सकते हैं। ओके तो बहनों और भाइयों, भाइयों तथा बहनों, इस तरह से हम इन शब्दों को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए इसमें ओके कोई के लिए काकी व्यंजने का संदेह नहीं है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इस तरह से बनाना है ओके। इसके बाद है आपका मैं, यह है मानता हूं कि, मैं यह मानता हूं कि, किस तरह से हुआ आपका मैं। अब इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं आप, मैं ऑलरेडी हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, तो ये भी लिख सकते हैं मैं यह मानता हूं कि, ठीक है। इसके बाद है आपका स्वीकार, स्वीकार का भी सिंबल है आपका करते चलते हैं, तो स्वीकार का सिंबल बना हमारा ये, स्वीकार करते ठीक है चलते हैं। इसके बाद है आपका हमें, यह नहीं भूलना चाहिए कि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि। तो देखिए हमें का जो सिंबल है हल्का सा उसको तिरछा करेंगे, हमें यह इसी में ऐड हो गया, नहीं भूलना चाहिए कि, ठीक है। और इसी में अगर होता हमें यह नहीं भूलना है कि, चाहिए नहीं आता, तो क्या आता सिंबल यही बनता, हमें यह नहीं भूलना, ठीक है। यहां पर ना आ गया है, बस इतना, ये चाहिए फिर यहां से हट जाता ओके। फिर लास्ट है ये आपका मोटे तौर पर, तो ये मां की व्यंजन रेखा आ गई, टा की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया और ये पर ऐड हो गया मोटे तौर पर, ठीक है। आप इसको मां की व्यंजन रेखा को कट करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला फॉर्मेट ज्यादा कन्वीनियंट है। मुझे ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि इसमें एंगल प्रॉपर बन रहे हैं, कर्व वगैरह का ज्यादा इश्यू नहीं रहता है। तो ये आपके आज के सारी एडवांस आउटलाइन है, इनको प्रैक्टिस में लीजिए। किसी भी तरह का किसी भी आउटलाइन में कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको सॉल्व करूंगी, कोशिश करूंगी कि और इजी फॉर्मेट आपके लिए प्रोवाइड कर पाऊं। और बेसिकली जितनी भी लाइंस होती हैं ये अलग अलग एडिटोरियल से एडेड हैं, तो कुछ वर्ड आपके जो बड़े होते हैं मोस्टली मैं वो वर्ड्स लेती हूँ जो कंटिन्यूशन में एक पूरा फ्रेगमेंट, एक वर्ड, एक सेंटेंस फ्रेगमेंट बनता है, ठीक है, ताकि जब आप उसको सुने तो आप इजिली उसको बना भी सकें ओके। तो अभी अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट इन स्टडीज के लिए और आपकी एडवांस आउटलाइन रूल्स के लिए बेनिफिटेड रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।